हेलो फ्रेंड्स, मैं हमेशा और आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी दिनों से मैं आपको बहुत सारे अपलोड्स नहीं दे पा रही थी। बहुत सारे अपडेट्स मेरे से देने वाले थे जो मैं आप लोगों को नहीं दे पा रही थी। उसका एक कारण था कि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था और बहुत सारी वीडियोज़ भी डिलीट हो गई जो पिछले दिनों मैंने कुछ रेस्क्यू किए। और आज का भी वीडियो एक रेस्क्यू से रिलेटेड ही वीडियो है जिसके बारे में, जिसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसका नाम है खजूर, एक मेल छोटा सा पपी है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन सिमिलर से स्टोरी है जो बहुत सारे केसेस में होती है। लाइक एक जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी के आगे कोई पत्थर आ गया है, या फिर गाड़ी के आगे सड़क टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, या फिर रोड उबड़ खाबड़ है, तो हम लोग ना अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं या बहुत ध्यान से वहाँ से चलाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि चूंकि इन चीज़ों से हमारी गाड़ी का नुकसान होना होता है, हो जाता है कई बार, तो इस वजह से हमें ये चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन हमें इतना बड़ा डॉग या फिर इतना बड़ा कोई ऐसा बेजुबान जानवर, जो वॉइसलेस पीपल जो हम कह सकते हैं, वॉइसलेस एनिमल जो हम कह सकते हैं, वो जब कोई गाड़ी के आगे आ जाए तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? क्या हम देखना ही नहीं चाहते उसे? सोचने की बात है। खैर चलिए, ये तो थी एक छोटी सी बात, बहुत मतलब कहने को छोटी सी बात है, हो सकती है बहुत बहुत बड़ी बात भी है। ये देखने के लिए सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ कभी नहीं सोचते कि हमारी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है, कोई चलने से अपाहिज हो जाता है, या किसी बच्चे की बेजुबान की जान चली जाती है, तो वहाँ पर हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। ये शायद हम लोगों में से कोई भी कभी नहीं सोचता। खैर चलिए, चलते हैं, मैं आपको आपको उससे मिलवाती हूँ, खजूर से, और उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। जी दोस्तों, मिलिए खजूर से। ये है हमारा खजूर जो कुछ दिन पहले हमारे पास आया था। लगभग 15 से 20 दिन पहले ये हमारे पास आया था, जिसका कि दोनों टांगे पीछे की टूट गई थी एक गाड़ी चढ़ने की वजह से, और इसकी हिप में भी थोड़ा सा कुछ फ्रैक्चर टाइप आया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने इसको यूथेनाइज करने के लिए बोल दिया था। यूथेनाइज मतलब कि इसको परमानेंट बिल्कुल ही जो है मरने के लिए बोल दिया था, कि इंजेक्शन लगा के इसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ये कभी ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा। जब ये हमारे पास आया था, ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा, चलना तो बहुत दूर की बात है, ये बैठ भी नहीं पा रहा था बेचारा, क्योंकि इसके दोनों टांगों पे हमने प्लास्टर करवाया। जिसकी गाड़ी के नीचे आया था, चलो खैर उसने तो क्या किया है, इसका एक्सरे करवाया, और उसके बाद डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने इसको यूथेनाइज करवाने के लिए बोल दिया। तो किसी ने हमारा नंबर इनको दिया, हमारे पास कॉल आया, तो हमने बोला कि नहीं, हम इसको यूथेनाइज नहीं करवाएंगे, क्योंकि बच्चा अगर तो नहीं ठीक हुआ तो हमारे पास जब तक इसकी ज़िंदगी है हमारे पास रह सकता है, और अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है और चलने लग गया है, हम एक आध दिन में इसकी वैक्सीनेशन भी करवा देंगे, और ये भगवान की दया से बहुत अच्छे से चलने लग गया है। लेकिन क्या हुआ है कि इसकी पिछली टांगें जो थी वो थोड़ी सी बैंड हो गई हैं, बल्कि मतलब कि बिल्कुल सीधी हो गई हैं, वो बैंड नहीं होती हैं प्रॉपरली, और ये थोड़ा स्लोली चलता है। तो हमने जब उससे बात की रिपोर्टर से, तो उन्होंने बोला कि हम इसको जहाँ से उठाया था वहीं पर रिलीज़ कर देंगे। तो मुझे लगा कि इसको वहाँ रिलीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लोली स्लोली चलता है, तो अभी छोटा बच्चा भी है और इसको यानी कि वहाँ की सेंस भी नहीं होगी, तो कैसे ये रोड पे रह पाएगा। अब हम चाहते हैं कि अडॉप्ट हो जाए, और हम इसके लिए कोई अडॉप्टर भी ढूंढ रहे हैं। एक आधे दिन में इसकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, और ये बहुत प्यारा बच्चा है। जब हमारे पास आया था तो इसको हज़ारों के हिसाब से टिक्स लगे हुए थे, और ये मतलब चिल्ला रहा था लिटरली, बहुत ज़्यादा ये रो रहा था, पेन में था, और मेरे से इसका पेन देखा नहीं गया। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पानी वानी पिलाया खिलाया, और इसको डॉक्टर के पास लेके गई, और पॉज हटने इसका जो है सारा ट्रीटमेंट करवाया, सारा इसको अपने घर पे रखा, फोस्टर किया, सारा कुछ पॉज हटने ही किया है। अब हम चाहते हैं कि ये बच्चा अडॉप्ट हो जाए। ये देखिए, हमारी 10 से 15 दिन की मेहनत के बाद ये कुछ इस तरीके से चलने लगा है। ये स्टार्टिंग में चल रहा था, उसके बाद काफ़ी अच्छे से ये चलने भी लगा है बच्चा, लेकिन इसकी लेग्स जो हैं काफ़ी सीधी हो गई हैं, ये चल नहीं पा रहा है प्रॉपरली।
कि इतना नहीं चल पा रहा है कि ये सड़क पे सर्वाइव कर सके, तो हम चाहते हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हर अपनी वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ और अब भी इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि अपनी गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाइए, स्लो चलाइए, देख के चलाइए कि किसी बेजुबान की ज़िंदगी आपकी गाड़ी के नीचे आके कुचल के ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी भी हमारे जितनी ही शायद कीमती है। क्योंकि ये बच्चे हमारी ज़िंदगी में ना आए तो शायद हमारी कुदरत भी ना हो। सो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखिए और बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को चलाइए। और ब्रीडिंग को बिल्कुल भी प्रेफरेंस मत दीजिए, ब्रीड डॉग को बिल्कुल प्रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता ही होगा ब्रीडिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ब्रीडर्स जो हैं वो उन डॉग्स के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो प्लीज़ एक एक इंडी डॉग, अगर आप वाकई एनिमल लवर हैं, वाकई अपने देश को प्यार करते हैं, वाकई ही नेचर लवर हैं, तो प्लीज़ एक एक डॉग ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। खासकर उस बच्चे को अडॉप्ट कीजिए जिसको वाकई ही आपकी ज़रूरत है, लाइक इस बच्चे को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप में से कोई अगर आगे आके इसको अडॉप्ट कर ले तो मुझे लगेगा कि मैंने जितनी मेहनत की है इस बच्चे को ठीक करने में बिल्कुल सफल हो चुकी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, मेरे पास आके बिल्कुल ऐसे लेट जाता है और इतना प्यार करता है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। और इतना प्यारा बच्चा है ये, इसका नाम मैंने इसलिए खजूर रखा है, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा, कहना भी इतना मानता है। और इसको इतनी समझ है कि घर के अंदर बिल्कुल सुसुपाटी नहीं करता, घर के बाहर जाके सुसुपाटी करता है और इतना प्यार करता है कि कहने की हद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाए। और प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग यू कि गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए, खड़ी, जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है गर्मियों में डॉग्स हमेशा पना लेते हैं आपकी गाड़ी के नीचे, तो स्टार्ट करके इंजन ऑन करके हॉर्न कीजिए, थोड़ी देर इंजन ऑन रख के गाड़ी वहीं खड़ी रहने दीजिए ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी नीचे डॉग हो, कोई भी एनिमल हो तो निकल जाए। चलती हूँ दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी बी सेफ़।